दोस्तों, एक गांव के एक मंदिर में एक ब्रह्मचारी रहता था। लोभ मोह से परे अपने आप में मस्त रहना उसका स्वभाव था। कभी कभी वह यह विचार भी करता था कि इस दुनिया में सर्वाधिक सुखी कौन है। एक दिन एक रईस उस मंदिर में दर्शन हेतु आया। उसके महंगे वस्त्र, आभूषण, नौकर चाकर आदि देखकर ब्रह्मचारी को लगा कि यह बड़ा सुखी आदमी होना चाहिए। उसने उस रईस से पूछ ही लिया। रईस बोला, मैं कहाँ सुखी हूँ भैया, मेरे विवाह को 11 वर्ष हो गए किंतु आज तक मुझे संतान सुख नहीं मिला। मैं तो इसी चिंता में घुलता रहता हूँ कि मेरे बाद मेरी संपत्ति का वारिस कौन होगा और कौन मेरे वंश के नाम को आगे बढ़ाएगा। पड़ोस के गांव में एक विद्वान पंडित रहते हैं, मेरी दृष्टि में वे ही सच्चे सुखी हैं। ब्रह्मचारी विद्वान पंडित से मिला तो उसने कहा, मुझे कोई सुख नहीं है बंधु, रात दिन परिश्रम करके मैंने विद्या अर्जन किया किंतु उसी विद्या के बल पर मुझे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। अमुक गांव में जो नेताजी रहते हैं वे यशस्वी होने के साथ साथ लक्ष्मीवान भी हैं, वे तो सर्वाधिक सुखी होंगे। ब्रह्मचारी उस नेता के पास गया तो नेताजी बोले, मुझे सुख कैसे मिले, मेरे पास सब कुछ है किंतु लोग मेरी बड़ी निंदा करते हैं। मैं कुछ अच्छा भी करूं तो उसमें बुराई खोज लेते हैं, यह मुझसे सहन नहीं होता। यहाँ से 4 गांव छोड़कर एक गांव के मंदिर में एक मस्त मौला ब्रह्मचारी रहता है। इस दुनिया में उससे सुखी और कोई नहीं हो सकता। ब्रह्मचारी अपना ही वर्णन सुनकर लज्जित हुआ और वापस मंदिर में लौटकर पहले की तरह सुख से रहने लगा। उसे समझ में आ गया कि सच्चा सुख लौकिक सुखों में नहीं है, बल्कि वह तो लौकिक चिंताओं से मुक्त अलौकिक की निस्वार्थ उपासना में बसता है। समस्त भौतिकता से परे आत्मिकता को पा लेना ही सच्चे सुख व आनंद की अनुभूति कराता है।